हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में परसेंटेज का पार्ट 4 हम पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को। नॉर्मल प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व किया है, अब हम सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द परसेंटेज। तो एक क्वेश्चन में आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, अ बास्केट कंटेन्स 350 eggs, मतलब एक बास्केट एक टोकरी में 350 गो अंडा है। इफ 12% ऑफ एग्स आर रॉटेन, मतलब 12% जो अंडा है वो खराब हो गया है। फाइंड द नंबर ऑफ गुड क्वालिटी एग्स, मतलब हमें पता करना है कि कितने एग्स और बचे जो गुड क्वालिटी के हैं। तो आपको पता है कि 12% अंडे खराब है, तो टोटल जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा 100% में कैलकुलेट करते हैं। कोई भी चीज का 100%, कोई काम कंप्लीट किया पूरा कंप्लीट हो गया, इसका मतलब 100% कंप्लीट हो गया। अगर 50% बोलते हैं तो मतलब आधा काम कंप्लीट हुआ है, तो इस तरह करते हैं। तो टोटल को 100% लेते हैं। तो आपको पहले पता करना है, मुझे निकालना है गुड क्वालिटी एग्स। तो पहले पता करना है कि गुड क्वालिटी एग्स कितने परसेंट है। तो गुड क्वालिटी एग्स 100 - 12% इक्वल्स टू 88%। गुड क्वालिटी एग्स कितना है? 88%। तो मतलब 88% हमारा क्वालिटी अच्छा है। अब टोटल इतना है उसका 88% निकालना है। तो आपको निकालना होगा 88% ऑफ 350 का 88% निकालना पड़ेगा। तो 88 by 100 into 350 88 by 100 into 350 x 0 x 0 गया 5 7 35 5 2 10 2 4 4 4 38 2 4 7 7 4 8 7 4 38 and 9 30 31 31। सो टोटल 308। तो टोटल मेरे पास अच्छा है अंडा कितना है गुड क्वालिटी एग्स। तो गुड क्वालिटी एग्स लिख सकते हो गुड क्वालिटी एग्स इक्वल्स टू 308। मतलब 350 में से 308 पीस मेरा जो अंडा है, 308 पीसेस जो एग है वो मेरा गुड क्वालिटी एग्स है। सो इस तरह एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको टास्क में। सो एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास बोर्ड में दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। ये हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो बोल रहा है एक एलॉय, एलॉय मतलब होता है मिक्सचर ऑफ कंटेंट, कुछ किसी चीज का मिक्सचर को बोलते हैं एलॉय। सो मिक्सचर में 32% कॉपर है और 40% जिंक है और बाकी जो बचा है वो निकल है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ईच इन 1 kg, मतलब 1 kg में कॉपर कितना है, जिंक कितना है और निकल कितना है वो हमें पता करना है। तो आपको पता है कि 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 kg में 1000 ग्राम होता है। तो ग्राम के हिसाब से हम लोग निकालते हैं। तो 32% पहले हम लोग निकालते हैं कॉपर का। सो कॉपर यहाँ पे कितना है, 32%। तो कॉपर इक्वल्स टू 32% ऑफ 1000, 1000 ग्राम में 32% कॉपर है। तो 32 by 100 into 1000, तो हो गया यहाँ पे 32 into 10 320 ग्राम कॉपर निकल गया। अब हमारा बारी है जिंक का। जिंक कितना है, 40%। तो जिंक इक्वल्स टू 40% ऑफ 1000 ग्राम का 40%, तो 40 by 100 into 1000, तो 2020 कट गया, तो यहाँ बचा 400 ग्राम। सो अब 320 ये है और 400 ये है, तो जिंक कितना है? तो जिंक डायरेक्ट, जिंक बोल रहे निकल, तो निकल आपको डायरेक्टली निकल जाएगा। निकल इक्वल्स टू जिंक 1000 ग्राम माइनस 400 प्लस 300, ये दोनों को जोड़ के इससे माइनस करेंगे तब जाके निकल जाएगा। मतलब बचा हुआ जो है वो निकल ही हमारा। तो 400 प्लस 320 सो हो गया 720। तो 1000 माइनस 720 हो जाएगा आपका 80 और 200 280 ग्राम। सो आपका निकल जाएगा चिंक, निकल 280 ग्राम। सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और भी क्वेश्चंस को। पहले मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है, जो वीडियो में आपको मिलेगा और वो सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। तो मैं आपको वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस देता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।